डियर फ्रेंड्स, आज मेरी स्कूटी ख़राब हो चुकी है। इसको ठीक कराने के लिए मैंने बुलवाया है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। वैसे इतने मतलब आज संडे, आज का मैंने कुछ व्लॉग बनाया नहीं है, बस सोचा थोड़ा सा खाने का वीडियो व्लॉग बना देती हूँ। तो मैंने खाने के लिए सैंडविच मंगाई हुई है, उसका डिलीवरी अभी होने वाला है, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो डिलीवरी मैन अभी आ रहे हैं हमें सैंडविच डिलीवर करने के लिए, मैं उसी का वेट के लिए बाहर आ गई हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, ये सैंडविच हमारी आ चुकी है। एंड दीक्षिका ऐसे करते हैं बेटा, सभी को पहले बताओ, आप सभी को बोलो हमने सैंडविच मंगाया है। हमने सैंडविच मंगाया है, देखो तो जरा, देखो सैंडविच, मैं सारा खा जाऊंगा। क्या हो गया तुझे, क्या हो गया? सो आप देख कैसे कर रही है, ये खाना है सैंडविच? नहीं, रहने दो आप खाने के लिए, कोई जरूरी है? मत खाओ आप। दीपशिखा, सो डियर फ्रेंड, ये है हमारी सैंडविच, तो मैं अपना हिस्सा ले लूंगी, फिर मैं अपने सिस्टर्स को दे दूंगी। दीपशिखा, दीपशिखा आ जाओ, खाते हैं। इट्स टू हॉट, मैं अपने पीसेस ले लूंगी, फिर आपको आपका दे दूंगी। ओह गॉड, टू हॉट, फाइन, मैंने इतना ही खाना है, आप ही अपना ले जाओ। ऑसम है डियर फ्रेंड्स, ये काफी ज्यादा टेस्टी है। डियर फ्रेंड्स, सैंडविच खाने के बाद अब टाइम आ गया है चाय का, तो गरम गरम सैंडविच के साथ गरम गरम चाय भी बहुत अच्छी लगती है। मैं तो रेगुलरली सैंडविच के साथ चाय ही पीती हूँ। क्या हो रहा है आपको? दीपशिखा देखिए अपने इशारते में लगी हुई है अपनी, बस इससे भी ना घर में मुंह जल जाएगा आपका। थोड़ा सा पी लिया, अब सो जाओ बेटा थोड़ा टाइम के लिए। ये कुछ नहीं है, ये लो हो गया। अब दीपशिखा फोन रखो, सो जाओ, चलो। गुड मॉर्निंग, मैं रात को ना सोऊंगा नहीं, मैं ना सुबह सोऊंगा, मैं ना रात को सोऊंगा। अपना लाइट बंद करिए, फिर ना गुड मॉर्निंग लाइट को सो जाऊंगा, लाइट को फिर ना जाऊंगा, फिर ना लेट तो होऊंगा नहीं। पता तो चल नहीं रहा क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। मुझे बहुत कुछ मैं तो डर गई आपने गुस्से से, मैं तो सच में बहुत ज्यादा डर गई, डर गई, डर गई, पागल गई। देखिए कैसे पागल हो रही है ये। ये टेडी बियर ले आए अब। बस अब चलो सो जाओ, सो जाओ। हाँ, अब मम्मा ने थोड़ा सा पढ़ाई करनी है, चाय पी ली है ना, सब कुछ पी लिया। अब मेरे मम्मा, अब आपकी मम्मा थोड़ा पढ़ेंगी, चलो अब आप अपना लेट जाओ। मैं टेडी बियर को भी ले लूं। हाँ, इसके साथ सो जाओ आप, चलो, चलो। सो जाओ, सीधा हो जाओ। सो जाओ, चलो सो जाओ आप, चलो। मैं तो सबको सुलाती हूँ आपको, पर आप सोते ही नहीं, चलो सो जाओ आप। डियर फ्रेंड्स, मेरी स्कूटी सर्विसिंग होके आ गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको वॉश भी कर दिया था उन्होंने। उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर्विस कर दें, मैंने कहा या कर दें सर्विस, तो उन्होंने सर्विस तो कर दिया है। फिर क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली ये मेरी स्कूटी आ तो गई है,
इसके मतलब मैंने उनसे बात की थी कि प्लीज़ मुझे ना कल मंडे है तो मुझे अर्जेंटली चाहिए है, तो वो कह रहे थे कि ठीक है हम आपको टेम्प्रोरी करके दे देते हैं स्कूटी ठीक करके, फिर ऐसा करना ना आप कल स्कूल जाओगे ना तो जाते वक्त हमें छोड़ जाना अपनी स्कूटी, फिर आप हम ठीक कर देंगे, फिर शाम को आपके अच्छी तरीके से कर देंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इन्होंने टेम्प्रेरी ठीक किया हुआ है, टेम्प्रेरी उन्होंने ठीक ये किया हुआ है कि कहते हैं आपकी सेल्फ जरूर स्टार्ट हो के आप पहुँच जरूर जाओगे, फिर इस तरीके से आप का कल का दिन मैनेज हो जाएगा। तो थैंक गॉड मतलब उन्होंने समझा कि मतलब मंडे है, मंडे को पता है ना दीपिका के साथ वहाँ तक जाना काफ़ी मतलब मुश्किल हो जाता है वैन तक, तो इसीलिए उन्होंने, मैं आपको अभी दिखाती हूँ कैसी है टेम्प्रेरी ऑन होगी। तो डियर फ्रेंड्स मैं भी दिखाती हूँ ये हमारी ऑन हो जाए, देवी माँ सही बोलती हूँ, चौक खींच लेती हूँ। तो जैसा कि देखिए ये हमारी तो ये हमारी टेम्प्रोरी के लिए ऑन हो चुकी मतलब हो जाएगी, कल सुबह सुबह मेरा काम चल जाएगा, इसके बाद मैं फिर से उन्हीं की शॉप पे जाऊंगी और ठीक करवाऊंगी इन्हें परमानेंटली। सो एक्चुअली क्या हुआ ना, काफी दिन हो गए हैं मतलब स्टडी नहीं हो पा रही है मेरी, मुझे इसकी भी बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, मैं स्टडी मेरी कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, वो इसलिए क्योंकि मेरी मम्मा अभी घर पे नहीं है ना, क्योंकि मेरे मॉम नहीं है तो उस वजह से दीपिका का सारा काम मतलब मुझे ही देखना पड़ता है, फिर घर में भी जाओ स्कूल से आओ घर आओ, अदरवाइज पहले क्या है मेरे मम्मा होते थे ना मम्मा, फिर क्या है कि वो दीपिका का थोड़ा बहुत काम कर दिया करते थे तो मुझे इतना वो नहीं होता, तो मेरी स्टडी काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रही है, तो सोचा चलो आज संडे है, आज संडे में मैं 2 घंटा क्यों ना मैं जीके पढ़ लूँ जीके की बुक, ठीक है 2 घंटा मैं इसे पढ़ लेती हूँ, हिस्ट्री पार्ट कंप्लीट कर लेती हूँ, बिकॉज मेरा हिस्ट्री है काफ़ी टाइम से पेंडिंग है जो ये मेरा फिनिश ही नहीं हो रहा है, ये आज मैं 2 घंटे के लिए रीडिंग ले लेती हूँ इसकी, जितना मैंने किया हुआ है वो तो मैं नहीं पढ़ूंगी, वो तो क्योंकि मैंने कर ही लिया है, जो मैंने मेरा रह रहा है वो कर लेती हूँ मैं। तो 2 घंटे पूरे मैं प्लान तो मेरा पूरा 2 घंटा ही है प्लान पढ़ने का, बट अगर बीच में अगर दीपिका ने मुझे कह दिया मम्मा मेरा ये मम्मा मेरा वो, फिर बीच में इसके रोकना पड़ जाता है, फिर उसको देखना होता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली स्टडी तो अब हम हमारी बाद की चीज़ होती है, पहले तो हम क्या है कि मैं दीपिका को ही देखूंगी ना, तो इस वजह से। तो मैं आज मेरा टॉपिक कौन सा होगा, ऐसा लगता है जीके मैंने आज फिर से काफी दिनों बाद उसे उठाया है, ऐसा लगता है सारा दिमाग से साफ हो चुका है मेरे, सीरियसली रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ती है, अगर हम किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रेगुलर मतलब 3-4 घंटे तो हमें निकालने ही चाहिए, पर मेरा ना हो नहीं पा रहा है, मुझे बहुत टेंशन होती है इस बात की भी, बहुत टेंशन होती है, पता नहीं क्या क्या टेंशन है लेके घूम रही हूँ मैं, बहुत टेंशन है मुझे। हाँ तो आज मेरा ये वाला हो जाएगा 33 ही कर लेती हूँ, तो आज मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ 34 है ना जो कहाँ है जीरा 34 ये है जैसा कि आप देख सकते हैं या नहीं, ये 34 वैसे सूफी आंदोलन है, उसके बाद है भक्ति आंदोलन है ना, फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा ये मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो जाएगा, तो आज मैं ये फटाफट करती हूँ क्योंकि ये भी मुझे ऐसा लगता है अगर हम जीके पढ़ते हैं ना तो हर चीज हमें पढ़ लेनी चाहिए, जीके का कंसेप्ट ही ऐसा है कि हर चीज हमें पढ़ लेनी चाहिए, तो इसलिए मैं पढ़ रही हूँ सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन, ठीक है डियर फ्रेंड्स।
जैसे कि ये सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन ही काफी ज्यादा है ना, ज्यादा था तो ये डेट्स वगैरह याद करने में टाइम लग गया मुझे। तो 2 घंटे हो चुके हैं, मैंने 2 घंटे मतलब दे दिए, 2 घंटे हो गए हैं, ऐसा लगता है एक बार और रिवीजन ले लूँ। जी के ना जल्दी याद नहीं रहती है, डेट्स वगैरह भूल जाते हैं, फिर से एक बार रिवीजन लूँगी मैं। वैसे आज रात किसी के बाद मैं थोड़ा सा इधर उधर का कोई काम देख लूँ, वो निपटा के फिर मैं फिर से ये टॉपिक अगेन रिवीजन करूँगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी। सो डियर फ्रेंड, जैसा कि देख रहे हैं अब मैं एक्चुअली मैं पढ़ाई करते करते मुझे अचानक से उठवा के वार सैर करवाने के लिए ले आई है मेरी एक छोटी सी बच्ची और दूसरी वो मेरी बहन। ये एक मेरी बहन कहती चलो, कहती है चलो सैर करने चलते हैं, और ये मेरी छुटकी सी रानी, छुटकी सी रानी इसने भी मुझे चैन से बैठने नहीं दिया घर में, मैं दो अक्षर पढ़ लूं या ना पढ़ूं, पर फिर भी कहती है चलो चलो। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे घर के बैक साइड के, जो मैं खेत दिखाया करती थी ना वहीं पे आई हूँ थोड़ा सा टहलने के लिए, अभी दिखाती हूँ आपको। सो दीक्षिका रुक जाओ, मुझे तो छोड़ो। हाँ देखो अच्छे से सैर कर लो, ठीक है? देखिए वो ढलता हुआ सूरज है ना, ये क्या है ना, ये खाली प्लॉट मतलब खेत के बीच में जो रास्ते दिए होते वो रास्ते हैं और उसके साथ चलने का रास्ता है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत टहलने का है, टहल लो, ठीक है? इधर भी ये घर वर है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये लकड़ियों के काट के दरख्त मतलब ट्री को काट काट के यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ काम ही होगा, हमें तो कुछ पता नहीं है, ठीक है? कुछ पता नहीं यहाँ पे ये क्या है। आज मुड़े आओ बस। अगर हम गिर गए तो किसको चोट लगेगी बेटा? मुझे लगेगी, हाँ मुझे तो लगेगी, ठीक है? तो अब सैर सपाटा बहुत हो चुका है, अब हम जा रहे हैं दीपिका। हाँ चलो वापिस, अब मुझे घर जाके भी काम है, मैंने पढ़ाई भी करनी है, बस इन्होंने मुझे उठवा के सैर सपाटे को ले आई है। सो डियर फ्रेंड्स, अब बज गए हैं रात के 8:30। उसके बाद मैंने इंग्लिश की स्टडी कर ली थी, वो मैंने बीच में नहीं लिया, बिकॉज इससे ना क्या हुआ, मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, ऑलरेडी मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा जब मैं इसकी एडिटिंग करूँगी, तो मैं नहीं चाहती ज़्यादा लंबा व्लॉग हो और आप सब बोर हो जाओ, है ना? सो इसके बाद मैं नेक्स्ट व्लॉग अपनी स्टडी की स्टार्ट करने वाली हूँ, तो वो मैं आपको मैं आपको दिखाऊंगी अपनी स्ट्रेटजी, क्या मैं कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करती हूँ, कैसे स्टडी कर रही हूँ। सो इसी के साथ मैं आप सबको बोल रही हूँ गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय।